हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे यानी मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पे। आज मैं पुनः आप लोगों के साथ BEO मैथ्स का मॉडल पेपर, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे विभिन्न सेगमेंट के और सारे प्रश्न आपको कोर्स के अनुरूप ही होंगे, कोई भी इसमें प्रश्न कोर्स से बाहर का नहीं होगा। जितने भी हमने इसमें प्रश्न रखे हैं वो सारे कोर्स के ही हैं। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो और आप वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन सरल और कुछ क्वेश्चन कठिन का मिश्रण रखा गया है। इसमें डेली आपको लगभग ये मान के चलिए 300 से 400 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 10-10 के सेट के रहेंगे। चलिए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आया है 4x2 - 4x + 1 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए बीजगणित के आपको गुणनखंड इसमें करने हैं। तो गुणनखंड आप कैसे करते हो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं ax² + bx + c। अगर इसके गुणनखंड करें तो a और c का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसे ऐसा तोड़ते हैं कि वो b के बराबर आ जाए प्लस या माइनस में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² - 4x + 1 = 0। तो इसका देखिए जब गुणनखंड करूँगा तो 4 × 1 = 4 यानी 4 आएगा। 4 के से 2 गुणनखंड जिनको जोड़ने से 4 आए, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4x² - 2x - 2x2 = 4 होता है + 1 = 0। तो पहले हम देखिए 2x हमने कॉमन कर लिया तो बच गया 2x - 1। पुनः कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, 1 कॉमन कर लिया तो फिर बच जाएगा 2x - 1। तो पहला हो गया 2x - 1 और दूसरा भी बन गया 2x - 1, अर्थात ये आ जाएगा हमारा यहाँ से b वाला 2x - 1 एंड 2x - 1। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए प्रश्न हमारा बहुत आसान है आप लोगों के लिए कि 12 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनमें से 11 लड़कों की आयु 11 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी। बहुत आसान है, एक लाइन का सवाल है। चूंकि लड़के 12 हैं और उनकी औसत आयु 12, तो टोटल कुल आयु हो गई 12 × 144, यानी ये हो गई 12 लड़कों की औसत आयु। अब आपके पास लड़के 11 हैं, उनकी आयु भी 11 वर्ष है, तो 11 × 121, तो इसमें एक लड़का यानी 12वां लड़का, तो जो 12वां लड़का होगा अगर हम घटा दें तो उसकी उम्र निकल आएगी, क्योंकि 12 लड़कों का उम्र का योग है और ये 11 लड़कों का है, तो घटा दोगे तो बचेगा 3 और 2, यानी उसकी 23 वर्ष होगी, यानी उसकी जो उम्र होगी 12वें लड़के की वो होगी 23 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, प्रश्न संख्या 3। 4 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये MDH जो मैंने फार्मूला आपको पहले बता चुका हूँ उस पर लगा लीजिए। तो इसको देखिए बहुत सिंपल तरीके से मान लेते हैं हम। सबसे पहले M1 व्यक्ति हैं, D1 दिन लगता है, पुनः M2 व्यक्ति हैं, D2 दिन लगता है, काम वही है, दोनों को बराबर कर दिया। पहले मैंने 4 आदमी लगाए, 12 दिन तक काम किया, दोबारा मैंने 6 आदमी लगाए, कितने दिन में काम पूरा होगा नहीं पता है, तो D2 = हो जाएगा, बटे कर देंगे 6 × 6 = 12 × 4 = 8, यानी जो 6 व्यक्ति हैं वो उसी काम को अब 8 दिन में कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से उत्तर निकल आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न लिखित संख्याओं का औसत 21 हो, किसका किसका, 18, 15, x, 22, 28 और 31, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से औसत दिया तो पहले हम 18 और 15 जोड़ लेंगे, x जोड़ लेंगे, 22 जोड़ लेंगे, 28 जोड़ लेंगे और 31 जोड़ लेंगे। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे तो देखिए 18 + 15 + x + 22 + 28
और प्लस 31, इनको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर देखें आ रहा है 114 प्लस एक्स। अब चूंकि जोड़ दिया गया है, कितनी संख्याओं का है ये, औसत आपका है 21, तो इसको हम क्या करें, इसको 21 इंटू, अब संख्या गिनता हूँ कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो इसको 6 से हम गुणा कर देंगे 21 को, तो आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 126, अभी आ जाएगा 114, 114 है और प्लस एक्स, तो एक्स में से आप इधर 126 माइनस 114 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 12, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा द्विघात समीकरण का प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण 4x² प्लस kx प्लस 9 के मूल समान होंगे। तो मूल समान होने के जो कंडीशन होती है बच्चों, वो होती है b² - 4ac = 0। तो ये क्या होता है, इसको हम तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर b देखिए k है, तो k² - 4, a यहाँ पे 4 है और c यहाँ पे हमारा 9 है। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा k² - 4 * 16 * 144 = 0। तो k² = 144, तो k = आ जाएगा ±12, 12 भरे में 144, तो इसका आंसर 12 भी होगा -12 भी होगा। और चूंकि यहाँ पर ये आंसर आपका सी बिल्कुल सही है, ए डी वाला, यानी ए और सी दोनों सही हैं, चूंकि यहाँ पर आया था k² = 144, यानी k = ये ±12 आएगा, तो ना आंसर 12 है ना एक्स है, चूंकि दोनों हैं इसलिए यहाँ पे आंसर डी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। यदि एक अर्ध वृत्ताकार कोण मापक, तो हमारा जो कोण जिससे मापते हैं वो देखिए चांदा होता है इस टाइप से, मापक का व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7, तो इसका परिमाप यानी ये पूरा पूछ रहा है, ये पूरा कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो ये चूंकि है आपकी, ये है आपकी परिधि और वो भी आधी, तो पूरी परिधि होती है 2πr, आधी हो गई पाई आर प्लस, और ये भी, तो इसका मतलब ये टोटल हो गया आपका 14, यानी में जोड़ना है परिमाप, तो ये 7 7 14 हो गया और ये इतना, तो ये तुम्हारा हो गया 22/7, आर हो गया 7 + 14 7 7 कट गया, तो ये 22 + 14 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यह आ जाएगा देखिए 36, आंसर डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हो तो ऐसी संख्याओं पर योग का वितरण नियम। योग का वितरण नियम क्या होता है, अगर आपके पास कोई जैसे 2 × 3 + 5 हो तो आप अलग अलग गुणा कर सकते हैं, 2 × 3 + 2 × प्लस, अगर ये हमारा 9 था तो हम 2 × 9 कर देते हैं, बस यही है योग का वितरण नियम। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सी जो है, सी नहीं, यहाँ पर ये सी वाला देखिए, ए इंटू बी प्लस और ए इंटू सी, तो ये योग का वितरण नियम लागू हो रहा है, तो यहाँ से यह क्वेश्चन नंबर हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, योग का वितरण नियम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस पर भी एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये 1.1 ही लिखा है, और इसको अगर हम भाग करेंगे 4/3 को तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो सबसे बड़ी यहाँ पर 1.44 है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या अंडर रूट 2 होगी, चूँकि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है 1.414 के बराबर है, इसलिए ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन चाल समय से है,
150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्नों करने के लिए देखिए, अगर ये हमारी रेलगाड़ी है, ये हमारा प्लेटफार्म है, तो प्लेटफार्म और अपनी स्वयं की लंबाई जब पूरा चल के यहाँ आ जाएगी कब पूरा होगा। इसका मतलब जब कोई रेलगाड़ी 600 मीटर और 150 मीटर चलेगी पूरा, यानी 750 मीटर, तब जाके वो पुल को पार कर पाएगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या चाल चूँकि यहाँ पर देखिए किलोमीटर में है, तो हम चाल बराबर इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड 50 किलोमीटर है इसलिए घंटों में आंसर नहीं आएगा। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी हो गई 600 और 150, 750, समय लगेगा मान लिया टी सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, 25 25 250 25 375 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो टी बन जा टी और 18 54, यानी ये रेलगाड़ी जो है जो 150 मीटर लंबी है और 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को मात्र 54 सेकंड में पार कर लेगी। तो सबसे पहले इसमें चाल को हमें जो है मीटर पर सेकंड में बदल लेना है, उसके बाद लगा देना है, यानी चाल 5/18 हो जाएगी, दूरी 750 हो गया बटे समय, ये 25 यानी 250 हो गया, इसको काट देंगे 25 75 3, टी बन जा टी, 25 18 54 54 सेकेंड, यानी बी वाला आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। 3/16 यानी 3/16 आपके पास 16 है, और उसके बाद 5/12 है, और 7/18 का महत्तम, तो किसी भी भिन्न का महत्तम कैसे निकालते हैं, जो चीज़ पूछी जाती है वही अंश का निकाल देते हैं और हर का उसका उल्टा निकाल देते हैं। तो देखिए 3/16, 5/12 और 7/18, तो इसका मासा निकालें कैसे निकलता है ये, तो हो जाएगा 3 5 7 मासा, इसका मासा निकाल दीजिए, और 16 12 और 18 का लासा निकालना। तो 3 5 7 ये अभाज्य संख्या, तो उसका लघु महत्तम 12 ही आ जाएगा, और 16 और 12 और 18 से जो संख्याएं आपकी कटती हैं वो किसके पहाड़े में आएंगी उसके लिए आपको यहाँ से निकालना रहेगा। तो वो संख्या आपकी इससे पूरी पूरी कटेगी, यानी 16 से भी कटती हो, 12 से भी और 18 से, वो संख्या 144, तो आनी चाहिए 144, ये कहीं नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, जब आप यहाँ से इसका निकाल के देखेंगे 16 और 12 18 का एलसीएम, तो देखिए 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से 2 3 2 4 8, 2 3 6 और 9, फिर 3 से काटेंगे 3 से तो 4 हो जाएगा, 3 1 3 3 9, 4 3 12, 12 3 36 36 2 72, 72 2 144, देखे आया, तो इसका आंसर आना चाहिए था 1/144, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं, तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, इसके बाद मैं पुनः आपको मिलता हूँ अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन प्रतिदिन मिलते रहेंगे। जय हिंद।